जय हिंद दोस्तों, मैं आपका दोस्त राधेश्याम भौसर। तो आज हम साड़ी पेट्रोल वॉश कर रहे हैं, एक नहीं दो दो साड़ियां हम पेट्रोल वॉश कर रहे हैं दोस्तों। तो ये है, ये प्योर शिफॉन साड़ी है दोस्तों। और इसमें कॉम्प्लिकेशन ये है कि इसका जो कलर है ना, आपस में लग जाता है या ऑरेंज हो जाता है। बहुत सारे कॉम्प्लिकेशन इस साड़ी में है दोस्तों। तो मैंने सोचा कि इसको पेट्रोल वॉश करा लेते हैं। कस्टमर ने भी 350 रुपये देने का बोला है कि मैं 350 रुपये आपको दे दूंगी, तो इस साड़ी को हम करेंगे पेट्रोल वॉश। तो बने रहिए दोस्तों इस वीडियो में। ये है घरचोला शिफॉन साड़ी और इसको पेट्रोल वॉश करेंगे हम। और इससे पहले ये एक और साड़ी है दोस्तों, ये प्योर पैठनी साड़ी है। और इसमें कॉम्प्लिकेशंस ये होते हैं कि इसका भी ये जो ब्लू कलर है ना, ये लूज होता है, अंदर लगने जाने का डर है। और ये जो पल्लो है ना, ये भी श्रिंक हो जाता है। अगर हम इसको नॉर्मल ड्राई क्लीनिंग करते हैं ना, तो ये भी श्रिंक हो जाता है दोस्तों। तो ये कुछ इस तरह से है। पल्लो ठीक है ना इनका। अभी हम दोनों साड़ी वन बाय वन पेट्रोल वॉश करने वाले हैं। और मेरे पास है ना 2.5 से 3 लीटर तक MTO है। तो बने रहिए कैसे मैं करता हूँ। और लॉन्ड्री बिजनेस ट्रेनिंग में, बेसिक लॉन्ड्री बिजनेस ट्रेनिंग में मैं साड़ियाँ पेट्रोल वॉश करके नहीं दिखा सकता हूँ, क्योंकि ये साड़ियाँ है ना, एक दो महीने बाद एक आध दो साड़ी आती है। अभी शिवम सर जी है ट्रेनिंग के लिए, बट हमेशा ये साड़ियाँ नहीं आती हैं। कस्टमर 300-400 रुपया खर्चा नहीं करता है हर टाइम, तो इसीलिए मैं हर टाइम इसकी वीडियो नहीं बना सकता हूँ, या हर टाइम मैं ट्रेनिंग में ये प्रैक्टिकली नहीं दिखा सकता हूँ। बट जब भी मैं करूँगा उसकी प्रॉपर वीडियो बनाऊँगा और इजी से मैं समझा सकता हूँ मेरे ट्रेनिंग सब्सक्राइबर्स को भी। तो बस बने रहिए दोस्तों इस वीडियो में। तो दोस्तों इसमें मैंने कम से कम 1.5 लीटर के आसपास MTO मैंने लिया है। तो अभी इसको करते हैं हम, इस साड़ी को करेंगे हम पेट्रोल वॉश दोस्तों। तो सबसे पहले ये साड़ी जाएगी इसमें। तो दोस्तों ये रहा इसका फॉल, और ज्यादातर साड़ियां है ना फॉल में ही खराब होती है दोस्तों। तो अभी इसका फॉल करूंगा मैं स्क्रब। ये साड़ी हमारी अच्छे से पेट्रोल वॉश हो गई है। फॉल इसका मैंने स्क्रब कर लिया। अब पूरी साड़ी इस तरह से मैं डर्ट फ्री कर रहा हूं, मतलब जो भी डर्ट डस्ट वगैरह होगा ना, कुछ स्टेन वगैरह होंगे छोटे मोटे, तो इस तरह से रिमूव हो जाएंगे दोस्तों। ये पूरी साड़ी मैंने इस तरह से पकड़ रखी है। तो हम और थोड़ा MTO डालेंगे दोस्तों। और इसमें इसको भी अच्छे से शाइन आएगा पेट्रोल वॉश करने के कारण। और ये जो कलर है ना, जो इधर उधर लग सकता है, वो भी दिक्कत नहीं रहेगी दोस्तों। और इसमें ना स्टार्च लगा होता है, तो अगर मैं नॉर्मल ड्राई क्लीनिंग अगर करता हूं ना, तो सारा स्टार्च इसमें से निकल जाता है और साड़ी में ना व्हाइटनेस जैसे स्पॉट आ जाते हैं। तो ये एक बात है। और उसके बाद में इसका जो कलर है ना, ये भी एज इट इज रहेगा। और बाद में इसको मैं स्टीम प्रेस करवा सकता हूँ, या फिर मशीन के ऊपर भी प्रेस मैं इसको करवा सकता हूँ दोस्तों।
हाइड्रो होगा 2-3 मिनट के लिए दोस्तों। 2 मिनट हाइड्रो करने के बाद में हम दोनों साड़ियों को भी निकाल रहे हैं, और निकालने के बाद में आप देखिए कि कैसे रिजल्ट इनका मिला है। तो दोस्तों पहले हमने ये साड़ी पेट्रोल वॉश की है, चमक रही है, बहुत ज्यादा चमक रही है सर। तो दोस्तों पहले हमने ये साड़ी पेट्रोल वॉश कर दी है, ओके ये लीजिए। और ये भी साड़ी हमारी पेट्रोल वॉश हो गई है। व्हाइट पेट्रोल 2 लीटर मैंने यूज किया है, ओके। तो बस ये रही अपनी दूसरी साड़ी, ओके। तो बस दोस्तों एमटीओ ड्राई क्लीनिंग करने के लिए हाइड्रो एक्सट्रैक्टर बहुत ही ज्यादा जरूरी है, और आप इसको घर पर नहीं कर सकते हैं क्योंकि पूरे घर में इसका स्मेल आ जाएगा, सभी लोगों को दिक्कत होगी, और इसका स्मेल एक दिन में चला जाएगा। मतलब मैं अगर उसमें धूप में अगर प्रॉपर सुखाता हूँ ना तो एक दिन में चला जाएगा। नेक्स्ट डे मैं इसको साड़ी को एक तो स्टीम प्रेस कर सकता हूँ या फिर मशीन के ऊपर भी प्रेस मैं कर सकता हूँ, और मैं इसको स्टार्च करना अवॉइड करूंगा क्योंकि इसमें रोल प्रेस भी नहीं करूंगा, बट मशीन पे प्रेस कर सकता हूँ, स्टार्च नहीं करूंगा क्योंकि स्टार्च से है ना वापस वो पानी यूज करेंगे, सर्कल वगैरह आ सकते हैं इसीलिए। और ये देख लीजिए आप इसका ब्राइटनेस और व्हाइटनेस बिल्कुल एज इट इज है दोस्तों। तो काफी नाजुक कपड़ा था ये, और ये प्योर सिल्क पैठन ही है 15,000 रुपए की, और ये भी साड़ी 10-15,000 रुपए के आसपास होगी। तो बस दोस्तों ये वीडियो यही तक थी, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ वीडियो को व्हाट्सएप पर फेसबुक पर शेयर कीजिए, और नए हो चैनल पे तो सब्सक्राइब कीजिए, नीचे लाल कलर का बटन है उसको क्लिक कर देना, उसके बाद में बेल आइकन आएगा उसे भी क्लिक कर देना। जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम, धन्यवाद दोस्तों। इम्पोर्टेंट लॉन्ड्री के जो प्रोडक्ट होते हैं ना, जो मैं ऑनलाइन मंगवाता हूँ या मेरे नॉलेज में है कि ये सबके लिए यूजफुल होंगे, तो उसकी ऑनलाइन बाय लिंक हमेशा मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देता हूँ, तो जाके आप बाय कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं और बाय कर सकते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम, धन्यवाद दोस्तों।